दुनिया भर में कोरोना के कहर सामने हर सरकार अते सेहत विभाग ने लोगों के लिए हिदायतां जारी की हुई ने, जिस विच सब तो अहम हर व्यक्ति के लिए मुंह उपर मास्क लगाना जरूरी है। पर किसी व्यक्ति नूं मास्क पाउण लई समझाना बहुत महंगा पै सकता है। शायद हस्पताल च जेरे इलाज इस सिख नौजवान नूं नहीं पता सी, जिस नूं तेज तार हथियारां दे नाल वढ चुकया गया। इस सिख नौजवान का वीडियो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने फेसबुक पेज उपर शेयर किया है, जिस विच दस्सिया गया कि मुंबई के चैंबूर विच इंदर सिंह नामी सिख नौजवान ने सलीम सिद्दीकी नूं जनतक थां उपर मास्क पाउण लई कहा सी, जिस उपर सिद्दीकी ने अपने साथियों नाल मिलके इंदर सिंह उपर हमला करके उस नूं पूरी तरह नाल वढ सुट्टिया। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। जिदा कि आप जी वेखन रहे हो अपने वीर जिहड़े हॉस्पिटल विच एडमिट ने, इन्हां नूं संडे नूं रात दे 9:30 करीबन 150-200 मुंडिया ने मिल के कुट्टिया ही। कोई ज़्यादा वड्डी गलबात नहीं, छोटा जिहा रीज़न ही। जदों वीरां ने उन्हां नूं कहा 4-5 मुंडे रोड ते घूमण डे ही कि तुसीं मास्क पा के घूमो, इदां ना घूमो, ये तुहाडे लई भी सेफ नहीं हैगा ते दूजिआं लई भी नहीं हैगा। पर उन्हां ने इन्हां दी गल नहीं मन्नी ते इन्हां दे नाल इन्हां दे भरा ही, उस तो बाद इन्हों उल्टी गाल कट के कहें कि सरदार तू अपना काम कर, तेरे को कोई जरूरत नहीं है बोलने की। तो जो वीर ने उन्होंने कहा कि तुम सीधे से बात करो, तो इन्ने वे गाल कटन लग पे। फिर इन्होंने निके वीर ने जो उन्होंने चपेड़ मारी तो उस तो बाद उन्होंने कुछ नहीं बोलिया, चल गए। रात को 9:30 घट तो घट 150-200 बंदे इकट्ठे करके इन्हों घर के बाहर उन्होंने डेरा ला लिया। जो वीर शामी बाहर निकले, पहला तो आके इन्हों पग न हथ मारिया, उस तो बाद इन्हे वाल खोल के कृपाना नाल इन्हें हमला किया गया। वीर बेनती है कि आप जी ये वीडियो प्लीज शेयर करो। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु। मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि वह सिख नौजवान की दिल्ली कमेटी वालों पूरी मदद कर रहे हैं, हर कानूनी सहायता भी उन्होंने दी जा रही है। जी खालसा जी, जिवें तुसीं सारे जानते जे इतवार नूं चैंबूर दे अंदर सलीम सदीकी और उहदे साथियों ने मिलकर एक सिख नौजवान उत्ते हमला किया। इंदर सिंह राणा जिहदे पिता सुरिंदर सिंह राणा एक सुलभ शौचालय च सीगे, उत्थे कुछ ये सदीकी और उन्होंने साथी आए जिन्हां ने मास्क नहीं पाया सी। उन्होंने बेटे ने कहा कि तुसीं मास्क पाओ, बिना मास्क इत्थे ना घूमो। इस नूं लैके दोवां दे आपस अंदर गर्मो गर्मी हुई और उस तो बाद इंदर सिंह अपने घर पहुंच जाता है और सदीकी अपने कुछ साथियों को लेके तकरीबन 50 के आसपास लोगों को लेके तो इंदर सिंह के घर पहुंचता है और जिवें ही इंदर बाहर आता है उसते चाकुओं के हमला कर दिया जाता है। उसको बड़ी बुरी तरह जख्मी किया जाता है, 50 तो ज्यादा उसके शरीर से टांके लगे ने, उसके पेट अंदर, उसके सिर का पिछला स्कल्प जो ऑलमोस्ट खोल दिया गया। इस सारी की कल मेरी उतों के स्पैशल कमिश्नर नाल गलबात हुई, इन्हां सारे लोगों को अरैसट कर लिया गया। 4 लोग जिहड़े सीगे बाई नेम FIR से अरैसट ने, बाकी लोग जिहड़े ने उन्होंने पुलिस उन्होंने अरैसट कर रही है। पुलिस ने इस गल का आश्वासन दिता है कि असी हर सूरत अंदर बाकी लोगों को अरैसट करांगे और इन्हां दे खिलाफ जो 307 के अंदर मुकदमा दर्ज होया है इहदी ट्रायल जल्दी कंप्लीट करा के उन्होंने सजावां देंगे। मैं इंदर सिंह जी के पिता सरदार सुरिंदर सिंह जी राणा नाल गलबात कल भी की सी, अज भी हुणे जानकारी ली। इंदर सिंह बिल्कुल तंदुरुस्त आ, ठीक आ। उसके पिता नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों, दिल्ली के सिखा वालों मैं आश्वासन दिता है कि जो भी तुहानूं लोड़ होगी साडा दिल्ली के सिख, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तुहाडे नाल खड़ी। आर्थिक तौर पर भी जिहड़ी तुहानूं लोड़ होगी असीं उह भी हैल्प करांगे। मैं उत्थों दी सरकार नूं भी इह इशू रेज़ कीता, उत्थों दे मुख्यमंत्री जी दे अगे भी, और उन्हां नूं भी कहा कि इस परिवार की जो मैडिकल असिस्टेंस आ प्रोपर की जाए और मैडिकल असिस्टेंस के नाल मैडिकल वास्ते जो कोई फाइनैशियल हैल्प की लोड़ है तो वह भी दी जाए। मैं जिथे सरदार इंदर सिंह जी की सेह जाबदा की परमात्मा के अगे अरदास कामना करदा, उत्थे ही इस लड़ाई में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी लड़ूगी और असी यकीनी बनावांगे जिन्होंने गुंडागर्दी बुरशागर्दी की आ उन्होंने सजावं दित्तियां जाण। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और दिल्ली के सिख हर उस मुद्दे वास्ते बड़े संजीदगी रहिंदे ने जो भी देश भर च घटता है। साडी पूरी कोशिश रहिंदी आ, चाहे वह पिछले दिनों के अंदर तुसीं देखिया गंगानगर के अंदर घटना घटी, असीं उत्थों दी भी सरकार नाल उत्थों दे भी IG नाल टेकअप करके और तुरंत उस अपने नौजवान बच्चे जसविंदर सिंह नूं छुड़ाउण दी कोशिश कीती, जिहड़ी कि रंग लैके आई और उत्थों दे लोगों ने भी
बहुत वो अंदर प्रोटेस्ट करके और मजबूर किया राजस्थान की सरकार जसविंदर सिंह छड़न वास्ते। सो साडी कोशिश रही आ दिल्ली की राजधानी च असीं बैठे हाँ, दिल्ली के सिखा वालों पूरे देश के अंदर दुनिया के अंदर कोई मसला बने तो असीं उन्हां दे नाल खड़े होईए और अपनी मजबूती नाल उन्हां लोगों ने मसले हल कराइए। मैनू उम्मीद आ कि बड़ी छेती ही सरदार सुरिंदर सिंह जी का फरजंद बेटा सरदार इंदर सिंह घर आउणगे और असीं हर तरीके नाल उन्हां नाल खड़े हाँ। मैं सारी दिल्ली की संगत वर्गों को आश्वासन देना। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी सरगर्मियां।